लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने नागरिकता कानून 2024 की अधिसूचना जारी कर दी है, यानी पूरे देश में अब CAA यानी कि नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया है। इस कानून के लागू होने से तीन पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए शरणार्थी यानी कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अब भारतीय नागरिक बन सकेंगे। इसके लिए इन लोगों को सरकारी गाइडलाइन का पालन करना होगा और नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। हालांकि इसको लेकर कुछ जरूरी शर्तें भी रहेंगी। CAA दिसंबर 2019 में संसद में पारित हो गया था। चार साल से ज्यादा समय बाद इसके नियमों को अधिसूचित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने CAA के लिए फॉर्म जारी कर दिया है, तो वहीं इसको लेकर तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। सुनिए।